क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 35 से अधिक लोग उसमें कामगार हैं। तो हथकरघा का क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है मार्केटिंग। तो हम अभी एग्जीबिशंस करते हैं, दिल्ली में करते हैं, एंड मुंबई इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्लेस क्योंकि कमर्शियल कैपिटल है। तो ये जो गांव-गांव से बुनकर आए हैं, अपना स्टॉल लगाए हैं, पूरे भारत से आए हैं, विभिन्न राज्यों से आए हैं, विभिन्न प्रांतों से आए हैं। तो मुंबई में कला की, हुनर की अब फेस्टिवल शुरू हुआ है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ऑफिस ऑफ डीसी हैंडलूम्स द्वारा हमारा प्रोग्राम है, हैंडलूम मार्केटिंग असिस्टेंस अंडर दी नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उसी के तहत ये आयोजित किया जा रहा है। हमारा ये आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें शामिल हों एंड अपने बुनकर भाइयों का हौसला बढ़ाए, उनको सपोर्ट दें। यहाँ बहुत सारे व्यूवर्स आए हैं, विभिन्न प्रांतों से आए हैं, बंगाल से आए हैं, मणिपुर से आए हैं, साउथ से आए हैं, तमिलनाडु से आए हैं, आंध्रा से आए हैं, तेलंगाना से आए हैं, भागलपुर बिहार से आए हैं, यूपी से आए हैं, सो एंटायर राजस्थान, गुजरात, हर कहीं से आए हैं। तो एक तरह से ये नेशनल इंटीग्रेशन है जो हथकरघा के द्वारा हम पूरे देश के वीव्स को, देखो पहले ये होता था कि हर वीव उसी प्रांत के लोग पहनते थे, अभी जो है पूरा इंडिया में, पूरा भारत में हम जानते हैं। अब ये पैठनी साड़ी महाराष्ट्र में तो लोग जानते ही हैं, अब पूरे इंडिया में सब लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि पैठनी साड़ी क्या है, उसका वर्थ क्या है, उसमें कैसा काम चलता है। तो इस तरह से हम पूरे देश को, देश के कला को एक छत के नीचे लाने की कोशिश किया है। इसके अलावा कौन सी क्वालिटीज़ की साड़ी यहाँ पर आपने देखी और जो ऑडियंस यहाँ पर आएगी लेने के लिए उनको क्या यहाँ पर मिलेगा? देखो अभी हथकरघा का सबसे बड़ा चैलेंज है पावरलूम की कंपटीशन। अब देखो एक नॉर्मल जो कस्टमर है उसको ये मालूम नहीं है कि हाथ से क्या बनाया है, मशीन से क्या बनाया है। तो इस तरह का जो कार्यक्रम है इसमें हम डिपार्टमेंट की ओर से जेन्युइन वीवर्स को लेके आते हैं, तो इसीलिए उसका हम ट्रस्ट से लेके। एंड ये भी है कि आपने देखा होगा कि हैंडलूम मार्क भी लगाया है। तो हैंडलूम मार्क जैसे आप जानते हैं सिल्क मार्क माने ऑथेंटिक सिल्क, उसी तरह से हैंडलूम मार्क है सिंबल ऑफ ऑथेंटिक हैंडलूम। तो इस तरह से लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, साड़ी पर ये फोकस्ड है लेकिन कुछ स्टॉल्स में ड्रेस मटेरियल्स भी हैं, एंड ऑफिस गोअर के लिए भी हो, घर में अगर फंक्शन हो या फिर शादी त्यौहार हो, सबके लिए ये पूरा इंतज़ाम है। तो बुनकरों के लिए हम पूरा एंड टू एंड सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हम जो धागा देते हैं उसमें हम सब्सिडी देते हैं, 15% सब्सिडी नेचुरल फाइबर में देते हैं, एंड जो अगर ब्लेंडेड या फिर मैनमेड है उसी में भी हम ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी देते हैं। उसके अलावा बुनकर भाई को पूरा एंड टू एंड, अब उसको क्या ज़रूरत है, प्री लूम में शायद डाइंग की ज़रूरत होगा या फिर वार्पिंग वाइंडिंग में ज़रूरत होगा तो उसके लिए मशीनरी दिया जाता है, अगर उसके पास लूम नहीं है तो लूम दिया जाता है। अब मान लो आपके घर में जगह नहीं है लूम रखने के लिए एंड आपके पास ज़मीन है तो वर्कशेड बनाने के लिए भी हम 1,20,000 तक देते हैं। अब सोलर पैनल देते हैं एंड अगर वंस ये प्रोडक्ट बन जाए तो उनकी बिक्री के लिए, ये तो आप मेला देख ही रहे हैं, इसके अलावा हमने एक पोर्टल भी बनाया है ई कॉमर्स का, इंडिया हैंडमेड पोर्टल। तो उसमें वीवर अपनी जो चीज़ है वो अपलोड कर सकता है एंड बिक्री कर सकता है। तो इसके अलावा हम बहुत उनको ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, अपस्किलिंग देते हैं, तो पूरा हम एंड टू एंड देने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम शर्मिला दुआ है, मैं निफ्ट मुंबई की डायरेक्टर हूँ इस वक्त,
मैं निफ्ट से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ और हम डीसी हैंडलूम्स के साथ बहुत काम करते हैं। मैं एक प्रोजेक्ट की हेड भी हूँ जिसमें हम बुनकर सेवा केंद्र में डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर सेटअप कर रहे हैं। हमने अभी तक 16 डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर डिफरेंट बुनकर सेवा केंद्रों में स्थापित किए हैं। और ये प्रदर्शनी देखने के बाद मैंने उनके साथ बीना जी के साथ जब इनॉग्रेशन किया तो बहुत ही मुझे खुशी हुई कि मुंबई में और वो भी नेहरू सेंटर में जो बहुत सेंट्रली लोकेटेड है वहाँ पर ये प्रदर्शनी करी गई है। और एक एक बुनकर जो बहुत विभिन्न प्रांतों से आए हैं उन्होंने बहुत ही मेहनत से अपनी अपनी स्टॉल्स को सजाया है और बहुत खुशी हुई जानकर कि अभी कल से शुरू होने के बाद भी काफ़ी बुनकरों की काफ़ी सेल हो गई है ऑलरेडी। और जो मुझे बहुत खुशी हुई कि जो डीसी हैंडलूम्स हैं वो एक एक बुनकर के पास जाकर उनसे उनकी समस्याएं पूछ रही थी और बहुत को उन्होंने प्रोत्साहित किया कि आप अवार्ड के लिए अप्लाई करिए, अगर आपको नेशनल अवार्ड मिल गया है तो संत कबीर करे करिए और किस बुनकर सेवा केंद्र से कौन सी सहूलियत मिल सकती है वो सब उनसे एक एक जने से पूछ रही थी। और जो जिस तरह का वो साड़ियाँ लाए हैं एक से एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि जो मुंबई की पॉपुलेशन यहाँ आएगी या लोग आएंगे ख़रीदने के लिए वो बहुत ही खुश होंगे। और ये क्योंकि बुनकर से डायरेक्टली ले रहे हैं उसमें कोई मिडलमैन नहीं है, कोई दूसरे जने को प्रॉफिट नहीं जा रहा है, तो जो भी पैसे वो देंगे वो सब बुनकरों को मिलेंगे। तो आई थिंक अगर इसको एक एनुअल इवेंट बना दिया जाए और हर साल ये हो तो बुनकरों की भी बहुत सहायता होगी और जो लोग ये साड़ियाँ पहनेंगे उनको पता लगेगा कि जो असली वीवर्स जो बनाते हैं वो किस तरह का काम होता है और बहुत ही ऑथेंटिक सिल्क है चाहे कॉटन है वो यूज़ करके इन्होंने ये साड़ियाँ बनाई हैं। मैडम सरकारी लाभ की बात करें, सरकार की तरफ से लाभ के लिए लाभकारी योजनाएं वो नहीं मुझे पता कि, लेकिन हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में मुझे 30 साल से ऊपर हो गए हैं, हमने बहुत काम किया है। हमारे छात्र हर साल किसी बुनकर्स के और हैंडीक्राफ्ट्स के आर्टिजन्स के पास जाते हैं क्लस्टर में और उनके साथ खूब अच्छे पहले तो स्टडी करते हैं और उसके बाद फिर डिज़ाइन इनपुट करते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी बुनकर आए हुए हैं जिन्होंने जो निफ्ट के साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने डिज़ाइन इनपुट निफ्ट से लिया है और हमारे छात्रों ने उनके साथ काम किया है कुछ नयापन लाने के लिए साड़ियों में और वीविंग में। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी डीसी हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट्स के साथ बहुत सालों से जुड़ा हुआ है और हम अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छा डिज़ाइन इनपुट इन बुनकरों को दें।